हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग ऑलमोस्ट हमारी सीरीज के एंड में अब पहुंच चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने इकोलॉजी भी कंप्लीट कर लिया है और अभी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। किस तरह से हम खाद्य पदार्थों के जो हमारे भोजन है, जो हमारा फूड है, उसको कैसे हम उसका प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अभी देखिए, हम बात जब कर रहे हैं किसकी, फूड के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिए, फूड याद करते ही केवल प्लांट के बारे में ही मत याद करिए। हाँ, हम जानते हैं बिल्कुल कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हम जितने भी होमो सेपियंस हैं, वो सभी प्लांट्स जो हैं उन पर मेनली डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द फूड। बट याद रखिए, इसी के साथ में कुछ और भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियंस, कुछ ऐसे मतलब ह्यूमंस होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो एनिमल्स जो हैं उनको भी क्या करते हैं, फूड के फॉर्म में यूज में लेते हैं। तो एनिमल्स जो हैं उनसे भी हमें फूड मिल रहा है और प्लांट्स जो हैं इनसे भी हमें फूड मिल रहा है। और केवल फूड ही नहीं मिल रहा, फूड के अलावा भी बहुत सारे कुछ हमें बोलते हैं कि हम बोलते हैं उनके एनिमल्स के कुछ प्रोडक्शंस होते हैं जो भी हम यूज में करते हैं एज ए फूड। जरूरी नहीं है कि एनिमल को हम सिर्फ खा ही जा रहे हैं तो वही एक हो गया मात्र हमारा सोर्स कि हाँ भैया हमें तो क्या है, फूड के फॉर्म में चाहिए, एनिमल को हम खा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, कुछ एनिमल्स हैं वो हमें एग देते हैं, है ना, तो वो एग जो है वो उसको हम खाते हैं एनिमल को नहीं खाकर। ठीक है, कुछ ऐसी हैं एनिमल्स जो हमें मिल्क देती हैं तो हम मिल्क को यूज करते हैं। तो वही जितने कुछ एनिमल्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमें ये क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है स्ट्रेटजीज की कि हम फूड जो है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। अब डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के लिए फूड की डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी, तो हमें चाहिए कि फूड का प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया का एरिया जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, यानी एरिया हमारे पास में उतना ही है, यानी हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो भी है, प्लांट है तो प्लांट की भी हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, पर एरिया को भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एरिया हमारे पास में बढ़ रहा है तो हम खूब प्लांट खूब खेती कर ही सकते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे जगह पे सब जगह खेती कर लो, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको शेल्टर के लिए भी, रहने के लिए भी एरिया चाहिए, तो वो आधा तो क्या करेंगे, अपने रहने के लिए यूज में लेंगे। तो कल्टीवेशन के लिए जो प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी कीपिंग, उनको उनकी देखभाल के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए हमारे पास में एरिया लिमिटेड है। ठीक है, तो एक तो चीज़ हमारे पास में ये है कि एरिया लिमिटेड है बट हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर, किसी भी हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म जो होती है उसके हम बोलते हैं लाइफ स्पैन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, यानी कि रेसिस्टेंसी उनके अंदर होनी चाहिए अपने इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए प्लांट को रेसिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है, सूखे के लिए, अकाल पड़ने के लिए भी। आप बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल भी करना, पेस्ट कंट्रोल होना भी जरूरी है, नहीं तो पूरी की पूरी फसल खराब कर देंगे। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी रेसिस्टेंसी जरूरी है, नहीं तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे, उनको खराब कर देंगे। फंजाई है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि प्लांट जो है या हमारी क्रॉप जो है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप जो है वो जो हम ग्रो करने वाले हैं उसको कम एरिया के अंदर हमें ज़्यादा हमें प्रोडक्ट जो है वो मिले। एक तो कंडीशन ये है कि एरिया कम उसमें कंज्यूम हो प्लांट के ग्रो करने के लिए, बट उसका प्रोडक्ट जो है वो हमें ज़्यादा मिले। दूसरा, वो रेसिस्टेंट होना चाहिए, रेसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। जो भी हम बोलते हैं कि एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए और उसके यील्ड पे, जो उससे प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है उसकी क्वांटिटी पे, जो फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करना है, उनके लिए रेसिस्टेंट बनाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि हमें कुछ इन्हीं स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। तो आज पूरे चैप्टर के अंदर हम उसी बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या, एनिमल्स के लिए कि एनिमल ब्रीडिंग के बारे में और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि किस तरीके से एनिमल में हम ब्रीडिंग करवाकर हम उनके प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, और प्लांट के अंदर कैसे, किस प्रकार से प्लांट के अंदर भी ब्रीडिंग मेथड लगाकर हम प्लांट्स जो है उनसे भी बेटर क्वालिटी में, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारा जो
प्रोडक्ट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन आज के इस पूरे क्लास के अंदर रहेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितनी भी टेबल्स दी गई हैं आपके इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, याद रखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है उन्हीं में से पूछे गए हैं। अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा इसका एक ओवरव्यू पूरे चैप्टर का लेंगे और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एनिमल ब्रीडिंग। हम एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री, क्या है। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल, देखिए एनिमल, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री जो है वो हम किसको बोल रहे हैं कि जो भी ह्यूमन के यूज में आने वाले जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उन एनिमल्स का प्रोडक्ट भी यूज में आ सकता है और वो एनिमल्स खुद भी एज ए फूड जो है यूज में आ सकते हैं। तो उन सबको यूजफुल जो है ह्यूमंस के लिए, उन सब की देखभाल करना, ठीक है, वो सब उसी को उन सारे एनिमल्स की देखभाल करना, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ और उनकी लाइफ स्टेजेस जितनी भी आती है उन सब के अंदर उनको उनका पूरा ध्यान रखना, उसकी पूरी स्टडी करना, यही सारा चीज़ें जो हैं वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एक तो वही है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन। हम उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे एनिमल्स की जो हमारे लिए यूजफुल है और उनका देखभाल रखेंगे, तो वही चीज़ जो है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि पोल्ट्री है, फार्मिंग है, फिशेज है, यानी कि जैसे कि मुर्गियाँ होती है, मुर्गियों जो है एज ए हम ये बोलते हैं कि उसको एज ए फूड खुद को भी यूज़ में लिया जाता है और वो जो एग देती है उस एग को भी यूज़ लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर फिशरीज में देखेंगे तो फिशेज जो है वो हमारे ऐसे कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे मेन फूड है, ठीक है। तो उनकी उनको भी उनकी भी देखभाल, नरिशमेंट करना और फिर उनके उनको एज ए फूड जो है ना उनको यूज़ में लेना, तो उनका भी क्या है ब्रीडिंग मेथड उनमें भी यूज़ करके और उनकी भी क्वांटिटी इंक्रीज करना, ये भी हमारा इसमें एक पार्ट होगा और उनकी भी केयरिंग, ठीक है। फिर देखिए कुछ ऐसे हम ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव से काम में आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें बोले खेती करने में जो काम में आने वाले हैं, तो उनमें से अगर जैसे आ जाती है हमारे बफेलोज आ जाते हैं, कैमल है, हॉर्स है, तो ये सभी जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर यूज़ में भी आते हैं। तो और बट इसके अलावा इनके भी कुछ ऐसे, जैसे कैमल है, कैमल से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क जो है उसके अंदर हम बोलते हैं कि कुछ अगर हम देखें इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही अच्छा रहता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कैमल का मिल्क। तो कैमल उनके प्रोडक्ट्स जो है उनको भी हम यूज़ करते हैं, तो कैमल जो है उनको भी ध्यान रखना, उनमें भी ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करना, और फिर उनसे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं जिनका यूज़ जो है वो शायद फूड के फॉर्म में तो नहीं होता है बट हमारे अनदर जो अदर यूजेस हैं उनके अंदर वो इंक्लूड होते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना, इन सबको इनका ध्यान रखना और इनके लिए अंदर ब्रीडिंग जो है मेथड अप्लाई करना, ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट होता है, ठीक है, अगर हम एक पूरे तरीके से अगर हम देखें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे फॉर द डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी फार्म क्या होते हैं। तो डेयरी फार्म देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर उन एनिमल्स को रखा जाता है, उन एनिमल्स की देखभाल की जाती है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिल्क जो हमें उनसे मिलेगा तो हम मिल्क से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना पाएंगे, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दही हो, और मिल्क खुद अपने आप में भी डायरेक्टली जो है वो सप्लाई किया जाता है ह्यूमंस को। तो ये जो है हम ये बोल रहे हैं कि डेयरी फार्म के अंदर वो सभी एनिमल्स की देखभाल होती है या ब्रीडिंग होती है जो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो वो मेन है, ठीक है ना। तो अब देखो मिल्क यील्ड डिपेंड्स, जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं वो सभी एनिमल्स इसके अंदर देखभाल उनकी रखी जाती है। इनके अंदर क्या किया जाता है, इनके अंदर हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि उनसे जो हमें मिल्क मिले वो क्वालिटी वाला हो, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन जो है उनकी क्वांटिटी अच्छी हो ताकि हमें एक अच्छी प्रोटीन वाला मिल्क मिले। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस पर्टिकुलर जो एनिमल है जो हमें मिल्क दे रहा है उनके अंदर खुद के अंदर भी रेसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो रेसिस्टेंट होगा तो वो हमें क्वालिटी मिल्क जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके साथ में एनिमल जो है वो हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है वो मिल्क दे, है ना, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ही हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको मिल्क की सप्लाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। हाँ अभी अलग बात है कि आप लोगों के अभी जो मिल्क घर पे आपको लोगों को देने के लिए आते हैं या आप खरीद के लेके आते हैं तो उनमें बहुत सारी मिलावट भी मिलती है और पानी वानी भी मिलता है, ठीक है, तो हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करें। हमारा प्रोस्पेक्टिव तो अभी क्या है, हमारा तो यही है कि हम प्योर मिल्क जो है वो हर पॉपुलेशन के हर बंदे को मिले,
हर सभी लोगों को पहुंचे, तो उसके लिए हमने जो फार्मिंग हम जो बोलते हैं डेयरी फार्म जो है वो मैनेज किए होते हैं, जिनके अंदर उन जैसे काऊ है, बफेलोज हैं, उन सबको वहाँ पे रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनके अंदर रेसिस्टेंट उनके अंदर ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं कि जितने भी जो कैटल्स होते हैं जो हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको कैसे उनका कैसे देखभाल की जाती है, एक तो जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिस जगह वो रहते हैं, वो एरिया बड़ा साफ सुथरा हो, हम चाहते हैं कि वो साफ सुथरा रहेगा तभी वो खुद भी डिजीज फ्री रहेंगे, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी है, फूड है, वो भी उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन जो फूड हम दे रहे हैं कैटल्स को उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो मिल्क की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें गुड क्वालिटी में अगर मिल्क चाहिए और गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी के अंदर मिल्क चाहिए तो हमें उनको पर्याप्त मात्रा में पानी और फूड दोनों ही अवेलेबल करवाने होंगे, ठीक है। जहां पे वो रहते हैं उस एरिया को भी नीट एंड क्लीन हमें रखना होगा, ठीक है। इसी के साथ में हाइजीन होना चाहिए, मेन एरिया जो है जहां पे हम रख रहे हैं वो हाइजीन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको डेयरी फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं, या डेयरी फार्म जो है वो इस वजह से जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं। दूसरे आ जाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग है, इसके अंदर क्या है, इसमें हमें वही डिजीज फ्री एनवायरनमेंट रखना पड़ता है, और डिजीज फ्री एनवायरनमेंट था और उसी के साथ साथ में हमें ब्रीडिंग जो है मेथड भी अप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे पास में क्या हो, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब हमारे पास में ये रहेंगे चिकन रहेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में एग जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे, और एग जो है वो हम बोलते हैं कि वो कहते हैं ना आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटीन के लिए बेस्ट सप्लीमेंट जो है ना वो मानते हैं एग को, तो एग का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर वही फार्म जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, हम बोलते हैं हाइजीन होना चाहिए, डिजीज फ्री रहना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर हम बोल रहे हैं कि फूड एंड वाटर जो है वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल्स हैं, कोई भी लाइफ फॉर्म अगर है तो वो अगर हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे तो उसको गुड क्वालिटी फूड, गुड क्वालिटी वाटर और उसके साथ में डिजीज फ्री एनवायरनमेंट देना जरूरी है, चाहे वो हम हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबके लिए सेम कंडीशन अप्लाई होती है, तो वही चीजें हमें यहां पर क्या होती है अवेलेबल करवानी होती है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी, और उनकी हेल्थ जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हेल्थ जो है हेल्थ केयर भी इसके अंदर की जाती है। अब चलिए एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में आ जाते हैं। ब्रीडिंग जो है वो दो तरीके से करवाई जा सकती है, ब्रीडिंग के दो मेथड है जो अप्लाई किए जा सकते हैं, एक मेथड होता है उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, दूसरा जो आता है वो होता है आउटब्रीडिंग। अब ये ब्रीडिंग जो है ना मेथड क्यों अप्लाई किए जाते हैं, एक तो क्या होता है कि नॉर्मल एक तो हम क्या चाहते हैं कि जो एनिमल स्पीशीज जैसे फॉर द एग्जांपल के लिए काऊ, हम क्या चाहते हैं कि काऊ जो है वो हमें मिल्क दे, लेकिन हम उससे चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि वो काऊ जो है हमें जो मिल्क दे उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी का मतलब उसमें प्रोटीन जो है उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर अच्छी प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होगी तो हमें अच्छी प्रोटीन वाला क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। दूसरा क्वांटिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा हम ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर भी हम ये बोले डिजीज फ्री हो, वो डिजीज फ्री होगा तो उसके कोई भी पैथोजन जो है वो मिल्क के थ्रू हमें सप्लाई नहीं होंगे, तो हमें मिल्क भी जो है गुड क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो एनिमल है हमें जो मिल्क प्रोड्यूस हमें मिल्क दे रहा है उसके अंदर डिजायर जीन हो, ऐसे जीन हो उसके अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल्क बनाता हो या फिर गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है उसको बनाता हो, तभी तो जब जीन उनमें ऐसे प्रेजेंट होंगे तभी तो मिल्क वैसा वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि या तो क्या है कि हम इसमें ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करते हैं, ब्रीडिंग मेथड का मतलब ये हो गया कि हर एक स्पीशीज के अंदर सभी क्वालिटी प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सब में वेरिएशन होते हैं, सब में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, कोई काउ की ऐसी हम ये बोलते हैं स्पीशीज होती है, कोई ऐसी वेराइटी है जिस वेराइटी के अंदर मिल्क तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं बट उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है, कुछ ऐसी होती है जिनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है मिल्क की बट उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो हम क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही अच्छे जो हमारे डिजायरेबल करेक्टर है उनके लिए जो जीन है वो एक स्पीशीज के अंदर हम ला सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड को अप्लाई करके, ठीक है ना। तो हम उससे जो हाइब्रिड डेवलप करेंगे फिर उस हाइब्रिड के अंदर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर खुद में ही ब्रीडिंग करवा के इंटर ब्रीडिंग करवा कर हम क्या कर सकते हैं,
सॉरी हम उसके अंदर इन ब्रीडिंग यानी उस खुद की ही उस जो नए हाइब्रिड है उसकी हम उसके अंदर ही हम ब्रीडिंग करवा कर हम क्या करवा पाएंगे कि सेम करेक्टर जो है वो डेवलप करवा लेंगे क्वांटिटी के अंदर, कई ऐसी काउ हमारे पास में आ जाएगी, देन वो काउ क्या करेगी, वो हमें हमारे डिजायरेबल करेक्टर वाला मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हमें मिल्क जो है देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, तो ब्रीडिंग के अंदर यही आता है। ब्रीडिंग मेथड में दो मेथड्स आ जाते हैं, एक आता है इनब्रीडिंग और दूसरा आता है आउटब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग किसको बोल रहे हैं, अगर हम क्रॉस करवाते हैं ठीक है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के बीच में, बट वो सेम ब्रीड के हो, एक ही ब्रीड जो है उसके दो एनिमल्स के बीच में जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। ठीक है, अभी इनब्रीडिंग से क्या होगा, इनब्रीडिंग से सिर्फ क्वांटिटी जो होती है एनिमल्स की वही इंक्रीज होगी, और जो पेरेंटल हम ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो करेक्टर होंगे वही उनके जो हम बोल रहे हैं कि प्रोजेनी जो एनिमल्स हैं उन सब में भी वो सेम करेक्टर होंगे। तो ये इनब्रीडिंग जो है वो करवाई जा सकती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एनिमल इंक्रीज करने के लिए। आउटब्रीडिंग होता है दो डिफरेंट ब्रीड जो होती है उनके बीच में अगर हम बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग करवाई जाए तो उसको हम बोलेंगे आउटब्रीडिंग, उनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग के कई हमें फायदे एंड नुकसान भी हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग जितने भी टाइप है ना उसका एक चार्ट जो है उसको समझ लेते हैं। आउटब्रीडिंग जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तीन तरीके से ये हो सकता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं अपन इनब्रीडिंग के अंदर। इनब्रीडिंग किसने बोला, हमने मेटिंग करवाई है, किसके बीच में करवाई है, दो ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में करवाई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स के बीच में जो है वो ब्रीडिंग करवाई है, उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। अब इसको अगर और अच्छे से समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनकी चार से लेकर छह जनरेशन जो है वो कंटिन्यू सेम ही चले आ रही है, है ना। देखो तो सेम ब्रीड आ रही है, the mating of more closely related individuals within the same breed for the 4 to 6 generation, ठीक है, सेम ही एक ही हम बोल रहे जनरेशन के जो दो मेंबर है उनके बीच में हमने मेल एंड फीमेल जो एनिमल्स है उनके बीच में हमने ब्रीडिंग करवाई, उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर द एग्जाम्पल के लिए लिखा है, एक सुपीरियर मेल लिया और एक हमने सुपीरियर फीमेल ली, ठीक है, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बुल लिया, ठीक है, जो हमें सुपीरियर सब प्रोजेनी जो है वो दे रहा है, लेकिन हमने उसका सुपीरियर फीमेल के साथ में करवाया, काऊ के साथ में या बफेलो के साथ में, जो हमें मिल्क जो है ना बहुत ज्यादा देती है, क्वांटिटी जो होती है मिल्क की ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब देखो जब इनके बीच में हम करवाएंगे मेटिंग करवाएंगे तो हमें एक सुपीरियर प्रोजेनी मिलेगी, बट ये जो दोनों ही हमने लिए मेल एंड फीमेल लिए, ये हमने एक ही हम बोल रहे हैं कि ब्रीड के दो एनिमल्स को लिया जिसके बीच में हमने क्या करवाई है, ये मेटिंग करवाई है, इसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। इनब्रीडिंग करवाने की वजह से कई चीजें जो है ना वो कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है, जैसे कि होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का मतलब ये हो गया कि एक करेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि बार बार सेम जीनोटाइप के अंदर ही क्या हो रहा है, बार बार ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो वहां पे वेरिएशंस जो है वो नहीं आ पाते, जिसकी वजह से होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है, वो रिसेसिव भी हो सकती है और वो डोमिनेंट जो है वो कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि होमोजाइगोसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन जब डेवलप होगी और रिसेसिव के साथ में जब अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन अगर डेवलप होती है तो उस कंडीशन में डोमिनेंट जीन जो होता है रिसेसिव जीन के करेक्टर को क्या कर देता है, दबा देता है, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होगी बार बार इन ब्रीडिंग की वजह से तो रिसेसिव जीन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, और अगर रिसेसिव जीन जो है वो लीथल जीन है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हार्मफुल करेक्टर जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये जो इनब्रीडिंग है ये हमें इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, तो हार्मफुल रिसेसिव जीन जो है ना वो एक्सपोज हो सकते हैं। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये हो गया, क्योंकि सेम करेक्टर जो है वो तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बार बार सेम हम जब एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स के बीच में जब बार बार हम करवाते हैं ब्रीडिंग, तो सेम जीन जो होते हैं वही क्या होते हैं एक दूसरे में, हम ये बोलते हैं कि मैटिंग के थ्रू आते हैं, तो जिसकी वजह से कई अच्छी क्वालिटी वाले हमें बोल रहे हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बेटर जीन जो होते हैं वो कहीं पे वो जीन जो है उनका करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो कहीं जाके दब जाते हैं। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, सेम करेक्टर जो है वही क्या होते हैं डेवलप होते हैं, कई बार यूजफुल डिजायरेबल करेक्टर जो है वो शो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग की वजह से तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उसी को हम बोल रहे हैं।
एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन. ये एक बेनिफिट है हमें कि सुपीरियर जीन जो है वो वहां पे एक्युमुलेट हो जाएंगे और जो हमारे लिए यूटिलाइज नहीं होने वाले जीन है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे डिसअपियर हो जाएंगे. क्योंकि हमने सेम जीन जो है, अब मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि मिल्क के लिए कैपिटल एम कंडीशन ये डेवलप होगी, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है. अब होमोजाइगस कंडीशन डेवलप हो रही है, हमने बोला कि फिर हमने इसका भी एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्या करवा दिया, मैटिंग करवाई तो क्या हो गया, हेटरोजाइगस कंडीशन जो है वो डेवलप हुई. देन हम ये बोल रहे हैं कि अब की बार हम जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं इन्हीं के बीच में करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेम करेक्टर जो है वही क्या होता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करता रहेगा. और हम ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो अच्छे करेक्टर वाले, जो हमें जो डिजायरेबल जीन है जो चाहिए, जो करेक्टर चाहिए, वो तो डेवलप होंगे, और जो हमें जिसकी जरूरत नहीं है वो करेक्टर कहीं जाके दब जाएंगे, इस वजह से वो हमें शो नहीं हो पाएंगे. तो हम क्या कह रहे हैं कि एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी, ये हमें एक बेनिफिट है, हमारे जो हमें नहीं चाहिए अनवांछित जो जीन है जो हमें नहीं चाहिए होते उसको एलिमिनेट किया जा सकता है इन ब्रीडिंग की वजह से. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो डेवलप हो जाती हैं इन ब्रीडिंग की वजह से, जिसमें से कुछ तो नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, राइट. चलिए, तो ये हो गया इन ब्रीडिंग. नाउ आउट ब्रीडिंग में हमने बोला कि आउट ब्रीडिंग तीन तरीके से हो सकती है. सबसे पहले आउट क्रॉसिंग किसको बोल रहे हैं, ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन. यानी कि हमने एक ही ब्रीडिंग के दो एनिमल्स के बीच में क्या करवाई है कि जो हमने मैटिंग करवाई है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो है यानी कि उनके जो पेरेंट्स है वो 4 से लेकर 6 जनरेशन तक सिमिलर नहीं थे, यानी कि उनमें वेरिएशन हो सकते हैं, उसको हमने आउट ब्रीडिंग बोला है, ठीक है ना. इसको आप समझ सकते हो कि जब हम लोग हमारे अंदर भी तो होता है ना ऐसा कि हम शादी करवाने के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 4-5 6 जनरेशन तक हम लोग देखते हैं कि दादा दादी नाना नानी सबका चेक करते हैं कि इनकी कहीं कोई जो जनरेशन है वो आपस में उनकी शादी तो नहीं हुई थी, कहीं पता चले कि वो भाई बहन तो ना निकल आए, ऐसी कंडीशन तो नहीं है, इस वजह से हम चेक करते हैं. तो हम क्या है, सेम ही तो है हम सारे के सारे होमो सैपियन, बट उसमें 4 से लेकर 6 जनरेशन तक या कई जनरेशन तक हम तो यही चाह रहे होते हैं कि हमें ना मिले कि जहां पर शादी पहले हुई हो या फिर ब्रीडिंग उनके बीच में हुई हो, है ना. तो वही सेम चीज यहां पर भी है कि वही एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स है बट उनके जो पेरेंट है उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हुई होती है 4 से लेकर 6 जनरेशन तक, ठीक है. तो उसको हम आउटक्रॉसिंग बोलते हैं. इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द एनिमल हैविंग लो प्रोडक्टिविटी इन द मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ एंड कैटल. अब देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं, किस किस के अंदर फायदे हैं वो देख लो. इसके देखिए, इसकी वजह से एक तो क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन घटता है, लेकिन हम बोल रहे बीफ एंड कैटल जो होती है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होती है. और इसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि इन ब्रीडिंग एक्चुअल में किसको बोले, इन ब्रीडिंग हम वही तो बोले एक ही ब्रीड के दो मेंबर के बीच में, लेकिन अगर उनके एंसेस्टर हर बार सेम है तो सेम जीन ही क्या हो रहा है कंटिन्यू बार 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 सेल्फ, हम बोल रहे हैं कि एक तरीके से सेल्फ जैसे पोलिनेशन होता है प्लांट के अंदर कि सेम करेक्टर जो है वही डेवलप होता रहता है, वही सेम चीज जो होती है डेवलप हो जाती है, सेम करेक्टर जो है वो हर प्रोजेनी के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है. अगर इन ब्रीडिंग होती है उसको ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक आउट क्रॉसिंग जो है वो भी एक तरीके से है क्या, वो भी इन ब्रीडिंग की तरह ही तो हम बात करें, एक ही ब्रीड के दो मेंबर है बट इनकी जनरेशन सेम नहीं है, इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, कई एलिमिनेशन हो जाता है कुछ अच्छे करेक्टर्स का, तो वो चीज जो होती है वो ब्रेक कर सकते हैं, वो चीज की हम बोल रहे हैं कि कंडीशन जो है वो घटती है ना, उस चीज से हम निदान पा सकते हैं. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किसको बोला है, ब्रीडिंग हो रही है इंडिविजुअल्स के बीच में बट दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब हम करवाते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब करवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. दो डिफरेंट स्पीशीज से मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट स्पीशीज से मतलब हो गया जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए कि आपने जैसे सोलेनम है, सोलेनम अगर आप लोगों ने लिया है, सॉरी सोलेनम का एग्जांपल याद देना सही नहीं है, बॉटनी का, हम लोग जूलॉजी का एग्जांपल लेते हैं. तो जूलॉजी के एग्जांपल में अगर हम देखें तो हम लोगों ने अगर पेंथेरा है, पेंथेरा की दो स्पीशीज यानी कि हमने ले लिया, या तो हमने एक लेपर्ड ले लिया और एक हमने टाइगर ले लिया, तो हमने क्या किया उन दोनों के बीच में अगर हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है. इन सब केसेस द प्रोजेनी मे कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ द बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी ऑफ डिजायरेबल इकोनॉमिक वैल्यू. कई बार क्या होता है इसकी वजह से क्या होते हैं अच्छे करेक्टर जो है वो डेवलप हो जाते हैं. अभी देखो जैसे म्यूल है,
म्यूल के अंदर अगर हम देखें तो हमने किसके बीच में करवाया है यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे मेल हम बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिया है एस, जबकि फीमेल हॉर्स जो है उसके बीच में हमने क्या करवाया है, मेटिंग करवाई, जिससे म्यूल डेवलप हो रहा है। अभी म्यूल जो है ये क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज का क्या है, प्रोजेनी है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के करेक्टर जो है इसमें देखने को मिलते हैं। फिर हम ये बोल रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये हो गया कि हमने दो डिफरेंट ब्रीड के बीच के अंदर क्या करवाई है, जब क्रॉसिंग क्रॉस करवाया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से डिजायरेबल करेक्टर जो होते हैं वो हम डेवलप करवा पाते हैं। इन इंटर स्पेसिफिक जो हम बोल रहे हैं कि आउटब्रीडिंग जो है उसके अंदर अगर हम देखें कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि म्यूल मेल डंकी का फीमेल हॉर्स के साथ में, ही नहीं मेल हॉर्स का फीमेल डंकी के साथ में अगर करवाते हैं तो उसकी प्रोजेनी को ही नहीं बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अपने पास में आ जाता है, अगर मेल मेल हमारे पास में लाइन है और अगर फीमेल टाइगर है तो इसकी वजह से डेवलप हो जाता है लाइगर, तो लाइगर जो है वो, और इसी तरह से टाइगोन भी होता है जिसके अंदर मेल टाइगर होता है और फीमेल लाइन होता है, तो टाइगोन जो है उसके बीच में भी मतलब इन टाइगर और लाइन का जो है वो प्रोजेनी को हम टाइगोन बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग के हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ये सारे के सारे फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर कंट्रोल ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, अब किस तरीके से किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे देखिए ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ हम ये बोले हमारी बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको भी यूज किया कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू या फिर हम ये बोले मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इन जो ये आउटब्रीडिंग हम करवा रहे हैं, सो आउटब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मतलब आप समझते हैं कि हमें जो डिजायरेबल करेक्टर वाले जो जीन चाहिए, तो हमें जिस मेल से हमें चाहिए होते हैं तो हम उसका सीमन को कलेक्ट करके और हमारे जो एनिमल फीमेल एनिमल है उसके अंदर इंसर्ट करवा के हम वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, हम क्रॉसिंग जो है वो करवा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हम करवा सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। जबकि मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, इसके अंदर जो हॉर्मोन्स जो है वो दिए जाते हैं जो FSH की तरह बिहेव करते हैं, ये फिर ये क्या करते हैं काऊ के अंदर ये फॉलिकल्स जो होती है उनको मैच्योर करवाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ओवुलेशन बढ़ जाता है तो हम उसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि जितनी क्वांटिटी के अंदर एग डेवलप होने चाहिए थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एग जो है वो डेवलप होते हैं, 6 to 8 एग्स आर प्रोड्यूस। फिर हम क्या करवा रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर हम उसकी मेटिंग करवाते हैं बुल के साथ में, या फिर हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो काऊ होती है हम चाह रहे क्या है कि काऊ जो है उसके उसके अंदर जो ब्रीडिंग मेथड है ना उसको इंक्रीज किया जाए और प्रोजेनिस को डेवलप किया जाए, है ना। तो इस मेथड के अंदर क्या होगा कि हमने बुल के साथ में या तो उसकी मेटिंग करवाई है या फिर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हमें हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे सैरोगेट मदर के अंदर, ठीक है। फिर सैरोगेट मदर में जब वहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो उसमें हमारे पास में डिजायरेबल करेक्टर वाले दोनों ही से जो काऊ जो है उसके भी डिजायरेबल करेक्टर जो वाले जीन है वो भी हमारे पास में होंगे और जो बुल है उसके अंदर भी जो डिजायरेबल करेक्टर वाले जो जीन थे वो भी हमारे पास में होंगे। तो हम जेनेटिक हमारे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारी पसंद के करेक्टर्स जो है वो एनिमल्स के अंदर डेवलप करवा सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। फिर आ जाता है बी कीपिंग किसको बोले हैं, एपिकल्चर को, जिसके अंदर मधुमक्खियां जो होती है उसको क्या करते हैं पालते पोसते हैं और उससे शहद जो होता है हनी जो है उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्पीशीज होती है जिसको जिसका एपिकल्चर होता है, एपिस इंडिका, ठीक है। अब एपिस से ही वर्ड बना है तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, एपिकल्चर बोल रहे हैं बी कीपिंग को, ठीक है। अभी देखो इसको बी कीपिंग बोलो एपिकल्चर बोलो एक ही बात है। इसमें क्या किया जाता है, हनी जो है उसका प्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मधुमक्खियां जो होते हैं उनके छत्ते जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस हम करते हैं और वहां पे मधुमक्खियां जब ग्रो आप क्या करती है ग्रोथ करती है तो देन वहां पे जो बीज होती हैं वो क्या करती है फ्लावर से नेक्टर को लेके आती हैं और एक्चुअल में बीज के हम बोलते हैं कि उनके छत्तों के लिए उनके हाइव्स के लिए हम बॉक्सेस बनाते हैं, उन बॉक्सेस के अंदर हम वो मधुमक्खी के जो हम बोल रहे हैं कि हाइव्स जो होते हैं छत्ते जो होते हैं वो बनते हैं, जिसके अंदर वो क्या करती हैं हनी को कलेक्ट करती हैं लेके आती हैं और जब हनी वहां पे कलेक्ट होता है तो उसको हम क्या करते हैं वहां से सेपरेट कर लेते हैं और यूज करते हैं कमर्शियली भी और हमारे खुद के बेनिफिट के लिए भी।
तो देखो अब क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन एनी एरिया विद द सेम, ठीक है, कल्टीवेटेड, ये सब चीज़ें जो है एपिकल्चर हम करेंगे कहाँ, हम ये कल्चर वहाँ करेंगे जहाँ पे कहीं क्रॉप जो है वो लगी होगी, क्योंकि जब तक कोई क्रॉप या फिर कोई वेजिटेशन नहीं होगा तो जो बीज हैं वो कैसे नेक्टर को कलेक्ट करके लेके आएंगे, क्योंकि नेक्टर ही होता है जिसको हनी बीज जो है कलेक्ट करके लेके आती है, और जिसको हनी के फॉर्म में हमें क्या हम उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ बीज वैक्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेज, हम उससे बी वैक्स जो है वो हम प्राप्त करते हैं, हनी जो है उसको हम प्राप्त करते हैं जिसका यूज मेडिसिन के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो ये फूड कलेक्ट करती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए उसके अंदर ज्यादा क्वालिटी के अंदर शुगर देखने को मिलती है, शुगर उसमें प्रेजेंट होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड, एंजाइम और पोलन भी होंगे, क्योंकि हनीबीज जब लेके आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि उनसे चिपक के पोलन जो है वो भी आ जाएंगे। इनका मेडिसिनल बहुत वैल्यू है, हनी जो है उसको यूज में किया लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेडिक, हम ये बोलते हैं कि जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर हनी के अंदर ही मिला के उसको पेस्ट बना के ही लिया जाता है। उसके अलावा भी हनी के खुद के अपने बहुत सारे यूज़ हैं, देखिए इसका यूज़ जो है डाइजेशन में, डाइसेंट्रिंग में, वोमिटिंग में, स्टमक और लीवर जो है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे हनी जो है उसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग तो इसको नींबू के साथ में लेके वेट लॉस करने में भी करते हैं, तो वो अनदर यूज़ में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बी जो कीपिंग है या एपिकल्चर है वो सक्सेसफुल कब होगा, अगर हम क्या करेंगे, देखिए हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो बीज जो होते हैं उनके लिए किस तरह का नेचर जो है नेचुरल हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमने जो हम बोल रहे हैं कि बी हाइव्स जो हैं अगर मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनके लिए उनका भी ध्यान, उनकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और उनके लिए भी सुटेबल एनवायरमेंट की बहुत ज़रूरत है। और फिर वो नेक्टर को कलेक्ट करके लेके आए तो आसपास वेजिटेशन एंड क्रॉप जो है वो ग्रो कर रही हो उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है जिनको शहद को कलेक्ट करना आता हो, तो वो एक ट्रेंड लोग होते हैं जो ही क्या कर सकते हैं, उनसे शहद जो होता है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास में प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिससे हम उसको प्योरीफाई कर सकें और हम उसको प्योरीफाई करके एंड देन पैकेजिंग करके कमर्शियली हम उसका यूज़ में ले सकें, ठीक है। तो वही हनी जो है उसकी हैंडलिंग, कलेक्शन जो है ये सब बहुत ज़रूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सब जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिशरीज में क्या है, फिशरीज के अंदर वही है कि क्योंकि कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये इकोनॉमिकल भी है, फिश जो हम बोल रहे हैं कि फिशेज जो होती है उनका उनकी देखभाल करना और उनको पकड़ना, मच्छी पालन जो होता है मछलियों को इकट्ठा करना एंड देन उनको सेल करना, तो वो एक इकोनॉमिकल व्यू में अगर हम देखें तब भी बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, और सेकेंडरी फूड के फॉर्म में भी यूज़ में लिया जाता है। बट ये कहाँ ज़्यादा यूज़ में आता है, तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा फिशरीज जो है वो होती है, ऑब्वियसली चीज़ है वहाँ पे उनके पास में नेचुरल हैबिटेट है फिशेज के डेवलपमेंट के लिए, तो नेचुरल हैबिटेट में उनका देखभाल किया जा सकता है, उनका नरिशमेंट किया जा सकता है, उनके लिए प्रॉपर सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल वो एक्वा कल्चर यानी वो एक्वेरियम के लिए जो फिशेस का देखभाल करना है वो एक अलग है, वो सिर्फ हम ये बोलते हैं कि उसका इकोनॉमिक वे से उसकी इंपॉर्टेंस है एक्वेरियम वगैरह डेवलपमेंट की या फिर एक्वेरियम फिशेस जो है उनकी देखभाल करने की, क्योंकि हम एक्वेरियम जो है उसको घर में रखना बड़ा सुंदर लगता है, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बेनिफिशियल है। बट एज ए फूड अगर हम देखें तो हम देखते हैं फिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन सी एडिबल फिशेज आ जाती हैं, तो हिल्सा, ये कुछ हमारे पास में पॉम्फ्रेट, ये सभी जो है ये मरीन एडिबल फिशेज हैं, और कुछ फ्रेश वाटर वाली है जैसे कटला है, रोहू है ना, ये सभी जो है ये फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज हैं जो एडिबल होती हैं। और देखो ये इनका मेन पीसी कल्चर किसको बोल रहे हैं, रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज, की उनकी देखभाल करना, उनको पकड़ना और फिर उनका वही है उनको सेल आउट करना, देन ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। और ये मेन हम बोले एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर। ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन होता है एक्चुअल में ये क्या है, इंडिया के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी फिशेज हैं इनकी ब्रीडिंग को इंक्रीज करके और इनके थ्रू इकोनॉमिकली हमारी जो कंडीशन है उसको इंक्रीज करना, जो हमारे जो हम बोले कि ये हमारे फिशरमैन्स हैं इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को जो है चेंज करना, ताकि इससे इनकम के सोर्सेज बढ़े और इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो फिशरमैन्स हैं उनकी भी खुद की कंडीशन जो है इकोनॉमिक कंडीशन वो इंक्रीज होगी, तो वही ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग।
चलिए, प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग वही है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम चाहते हैं क्रॉप ऐसी जो लिमिटेड एरिया के अंदर ग्रो हो, दूसरी उसके अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम ये करेंगे कि हम ऐसी क्रॉप को पहले तो जेनेटिकली हम उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिजायरेबल करेक्टर वाले जो जीन है उनको एक प्लांट जो है, क्रॉप जो हमारी मेन हम बोलते हैं कि क्रॉप है जिसको हमें ग्रो करना है, उसके अंदर वो चेंजेस लाके और उस क्रॉप को फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोज करके, एंड उससे हम हमारे बेनिफिट वाला जो यील्ड होता है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके बेहतर उत्पाद जो होते हैं वो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग यही है, प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग करवाना, बट उसके अंदर भी कई सारे स्टेप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हम इस ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए, हम क्या करते हैं कि हमें कलेक्ट करना है वो कैरेक्टर्स वाले जीन जो हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पेस्ट के लिए कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंसी होती है, किसके अंदर इंसेक्ट्स के लिए उनके लिए रेसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है, रेसिस्टेंट वाले जीन होते हैं। एक्चुअल में ये जीन करते हैं क्या, ये ऐसे एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन को, एंडोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं जिन जो इंसेक्ट या पेस्ट में जाकर उनको हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो प्लांट जो होता है वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिजायर कैरेक्टर वाले जीन चाहिए, तो सबसे पहले हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो वो सिलेक्शन जो है वो प्लांट से हो गई, प्लांट के अलावा अनदर जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनसे भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्लांट जो हमें जो प्रोडक्ट दे रहा है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो प्लांट की कई ऐसी वैरायटीज भी होती, कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप उसकी कई ऐसी वैरायटीज होती है जिनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिटिव जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है बट हमें क्वांटिटी उसकी कम मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लार्ज एरिया में उनको ग्रो करना पड़ता है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हमें, जैसे मान लीजिए कि 100 हमने प्लांट लगाए लेकिन उससे हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसकी क्वांटिटी जो प्राप्त हुई वो हमें शायद 40 या 50% हुई, बाकी सारा वेस्ट था। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कम एरिया के अंदर हमें प्लांट लगाना पड़े बट उससे हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें उसका प्रोडक्ट जो है वो मिले। ठीक है, तो क्वांटिटी इंक्रीज करना है, तो उसके डिजायरेबल जीन जो है सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, फिर हम करेंगे ऐसे जीन प्रेजेंट वाले जो हमने प्लांट किए हैं उनके पेरेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें उनसे क्या मिलेंगे, जीन मिलेंगे, तो हम उनके बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। मान लीजिए हमने दो प्लांट ले लिए, एक लिया हमने मेल और दूसरा हमने लिया फीमेल। हमने जो मेल चूज किया उस मेल के अंदर क्या है कि वो हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें क्या देता है, प्रोडक्ट को देता है। ठीक है, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर ऐसे जीन प्रेजेंट है जिसके अंदर रेसिस्टेंसी है, वो रेसिस्टेंट रहता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में अब हम क्या करवाएं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, जिससे हमें जो प्रोजेनी मिले उसके अंदर दोनों करेक्टर हो, यानी क्वांटिटी भी हमें ज्यादा मिल रही है और रेसिस्टेंसी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने क्या करवाई, पहले तो हमने ऐसे जीन वाले प्लांट्स को चूज किया, उन प्लांट को चूज करने के बाद में हमने उन दोनों, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने प्लांट के अंदर कौन से करेक्टर डेवलप करने हैं, तो सबसे पहले तो हमने वो करेक्टर चूज किए कि हमारे अब जो प्लांट हम डेवलप करवाने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए, फिर वो करेक्टर जिन पेरेंट में प्रेजेंट है उन पेरेंट को चूज किया और उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया। अब जो प्रोजेनी डेवलप हुई इसके अंदर हमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को चूज करना है। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट इन दोनों से डेवलप होंगे उन सबके अंदर ये दोनों क्वालिटी प्रेजेंट होगी, कुछ के अंदर हो सकता है क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो प्रोडक्ट की लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो, कुछ के अंदर रेसिस्टेंसी हो। तो हमें उन सारे प्लांट में से एक ऐसा प्लांट चूज करना होगा जो कैसा होगा, सुपीरियर होगा, यानी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट होगा। तो उसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल इवेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक ऐसा प्रोजेनी चाह रहे हैं जिसके जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जिसमें प्रेजेंट हो, यानी जिसके अंदर हमें जो डिजायरेबल जो जितने भी करेक्टर है वो करेक्टर उसमें प्रेजेंट हो, यानी वो रेसिस्टेंट भी है, वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है प्रोडक्ट की और क्वांटिटी भी उसमें ज्यादा इंक्रीज है। तो ऐसा रिकॉम्बिनेंट को चूज करना, जब हम उस रिकॉम्बिनेंट को चूज कर लेंगे ना हम क्या करेंगे कि उस प्लांट को हमें मिल गया है तो हम उसके अंदर क्या करवाएंगे, हम सेम करेक्टर वाले और प्लांट को प्राप्त करेंगे, पहले ज्यादा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही करवा दिया उसमें। अब हमें मल्टीपल सीड्स मिल गए, अब उन सीड को लेकर हम अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट जो हमारे फार्मर्स हैं उनको उसको देंगे और कहेंगे कि भैया इसको ग्रो करो। जब उसको ग्रो करेंगे तो जरूरी नहीं है हर प्लांट जो है वो हर इकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो है वो सर्वाइव कर जाए, उनके लिए जो भी सुटेबल एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर वो सीड जो है वो ग्रो करेगा। तो जितने भी हमारे पास में हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस वाले जितने भी एरियाज हैं हम हर एरिया में उसको ग्रो करेंगे, यानी टेम्परेचर
जो है उसकी टेम्परेचर की जो हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा या फिर हाई कंडीशन है, या फिर हमें बोले लाइट की इंटेंसिटी है, उसमें भी कई तरह के हम बोलते हैं कंडीशन होती है अलग अलग एरिया में, कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं ड्यूरेशन ज़्यादा है तो कहीं ड्यूरेशन कम होती है. तो डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंट वाली जो जगह होती है, एरियाज होती हैं, वहाँ पर ग्रो करने के लिए फार्मर्स को हम सीड को देंगे. देन जब वो सीड को वहाँ ग्रो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अब हमारा रिकॉम्बिनेंट, हमें सुपीरियर जो हमें प्रोजेनी प्लांट मिला है, वो प्लांट कौन से सुटेबल एनवायरमेंट में ग्रो कर सकता है. जब हमें वो समझ में आ जाएगा कि भाई इसके लिए ये इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो परफेक्ट है, देन हम वहां पर उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे और कल्टीवेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतर उत्पाद को प्राप्त करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटो रहता है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर. चलिए, अब प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वही कुछ हमारे पास में वेराइटीज हैं जो डेवलप की गई है. अब उन डेवलप जो वेराइटीज हैं उनके अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो हमने टेबल के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं. देखिए, जैसे वीट है, वीट की दो वेराइटी है, एक तो है सोनालिका और एक है कल्याण सोना. ये दोनों ही वेराइटी जो है वो वीट की है, और एक्चुअल में इनमें स्पेसिफिक फीचर क्या है, एक तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उत्पाद देती है, दूसरा ये डिजीज रेसिस्टेंट होती है. ठीक है, तो ये दोनों वैरायटी जो है वो वीट के लिए डेवलप की गई है. तो यही पूछा जाता है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, तो किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, वीट की इंप्रूव्ड वैरायटी है. सेम वैसे देखें तो राइस की जो इंप्रूव्ड वैरायटी है वो है जया और रत्ना. ठीक है, तो जया और रत्ना जो है वो भी सेम चीज है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें प्रोडक्ट देती है, और दूसरा वो डिजीज रेसिस्टेंट है. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा शुगर केन. अब देखिए, शुगर केन के अंदर जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि दो हमारे पास में शुगर केन की वैरायटी है जो इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, एक तो है सेकेरम बारबेरी और दूसरी है सेकेरम ऑफिसिनेरम. ठीक है, अब इसमें से कंडीशन क्या है कि एक जो होती है, जो हम बोल रहे हैं कि साउथ के अंदर जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो बहुत बड़ा होता है, और दूसरा उसके अंदर जो है हम बोल रहे हैं कि उसका स्टेम जो है उसके अंदर शुगर जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. अब हम चाहते क्या है कि ज्यादा हमें यील्ड मिले, तो हमने उन दोनों के बीच में, यानी कि बारबेरी के बीच में और सेकेरम ऑफिसिनेरम, दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया. क्रॉस करवाने से जो हमें शुगर केन की वैरायटी मिली, उस वैरायटी के अंदर हम बोले कि शुगर कंटेंट भी ज्यादा है, क्योंकि स्टेम जो है उसका कैसा मिला है, हमें थिकर मिला है. ठीक है, तो शुगर केन जो है वो मिलता है. इसी के अलावा हमने कई मिलेट्स भी डेवलप किया. अब ये मिलेट्स जो है ये एक्चुअल में जैसे मेज जो है, ज्वार है, बाजरा है, ये भी डेवलप किए गए. ठीक है, और ये डेवलप क्यों किए गए, ये मिलेट्स जो है नए हम बोलते हैं इंप्रूव्ड वैरायटी, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि मिलेट्स जो है वो एक तो एक ग्रो जो करते हैं वो ज्यादातर हाई टेम्परेचर एरिया जो होता है, डेजर्ट टाइप का, हम जीरो फिटिक एनवायरनमेंट बोल सकते हैं उस तरह के एरिया के अंदर, हम ये बोल रहे हैं कि वो ग्रो करता है. ठीक है, तो वहां पे वाटर की कमी रहती है, तो हम चाहते हैं कि उनके अंदर रेसिस्टेंस हो वाटर स्ट्रेस को लेके. तो वाटर स्ट्रेस के लिए रेसिस्टेंट हमने ये मिलेट्स जो है उनको इम्प्रूव्ड वैरायटी को डेवलप किया, और उसी के साथ में हमें उससे क्वांटिटी, यानी उत्पाद जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है. तो ये चार चीजें हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू की, चार हमारे पास में प्लांट्स थे. इसके अलावा कुछ डिजीज रेसिस्टेंट हमारे पास में प्लांट्स भी हम लोगों ने ग्रो किए, वो कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि हिमगिरी, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, तो हिमगिरी वीट की वैरायटी है, और इसमें किसके लिए रेसिस्टेंसी है, यहां से मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं. रेसिस्टेंसी डिजीज के लिए कौन सी, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट एंड हिल बर्न डिजीज जो है उसके लिए रेसिस्टेंसी होती है. ब्रेसिका, ब्रेसिका की इंप्रूव्ड वैरायटी का नाम क्या है, पूसा स्वर्णिम. पूसा स्वर्णिम जो है व्हाइट रस्ट डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है. ठीक है, क्वालीफ्लावर जो है इसकी दो हमारे पास में वैरायटीज है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल. ठीक है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है उस डिजीज के लिए रेसिस्टेंट होती है. काउपिक जो है उसकी पूसा कोमल. अब पूसा कोमल जो है वो ब्लैक रोट एंड हम बोल रहे हैं कि कर्ड ब्लाइट ब्लैक रोट जो होता है उस डिजीज के लिए रेसिस्टेंसी उसमें रहती है. चिली जो है उसके लिए हमारे पास में है पूसा सदाबहार. पूसा सदाबहार जो है वो चिली मोजेक वायरस और टोबेगो मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल डिजीज जो है उसके लिए रेसिस्टेंट होती है. मूंग बीन जो है वो हम ये बोले इसके लिए हमने म्यूटेशन ब्रीड वैरायटीज जो है डेवलप की, जिसके अंदर येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिड्रियो जो है उसके लिए हम बोले रेसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है. भिंडी, ओकरा, इसकी वैरायटी जो है इंप्रूव्ड वैरायटी उसका नाम क्या है, परभानी क्रांति. ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए ये जो इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क कर लीजिए. ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं पूसा सुब्रा किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, तो पूसा सुब्रा बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वालीफ्लावर की है. कौन कौन सी है भाई, दो है यहाँ पे, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल, ये दोनों ही क्वालीफ्लावर की क्या है, इंप्रूव्ड वैरायटी है. किसके लिए रेसिस्टेंसी है, तो ये डिजीज रेसिस्टेंट होती है, और कौन सी डिजीज के लिए है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए होती है. इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए. जैसे कि जैसे पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, ये चिली की है.
प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति नाम जैसे आ जाए तो समझ जाइए किसकी इंप्रूव वेराइटी है, भिंडी की। क्यों है ये? क्योंकि ये येलो मोजेक वायरस जो है इसके लिए रेसिस्टेंसी डेवलप करवा ली है हमने इस वेराइटी के अंदर। तो ये प्लांट जो है की इंप्रूव वेराइटी है जिनमें पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेसिस्टेंसी है। वैसे ही कुछ और जो है हमने इंप्रूव वेराइटीज जो है उसको डेवलप किया है जिनके अंदर हम बोल रहे हैं पेस्ट के लिए रेसिस्टेंसी मिलती है, जैसे कि ब्रैसिका मस्टर्ड जो है। ब्रैसिका की दो इंप्रूव वेराइटी है, पूसा सैम 2 एंड पूसा सैम 3, जिसके अंदर एफिड्स जो होते हैं उनके लिए रेसिस्टेंसी होती है। जैसे फ्लैट बीन्स है उसकी वेराइटीज है पूसा स्वामी और भिंडी की पूसा कोमल। कॉटन की के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कॉटन जो होती है इसके अंदर अब ये बॉल वॉर्म्स जो है उसके लिए रेसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है। अगर जो वीट है, वीट की जो वेराइटीज है उनके अंदर हेरी लीव्स एंड सॉलिड स्टेम मिलता है, जिसके अंदर हमें बोले स्टेम सो फ्लाई एंड सीरियल लीफ बीटल्स जो होते हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि पेस्ट उनके लिए रेसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है। वैसे ही मेज जो होती है, मेज की जो इंप्रूव्ड वेराइटी है उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड जो होती है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम होता है और शुगर कंटेंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो ये जो मेज स्टेम बोरर्स होते हैं उनके लिए इनके अंदर क्या होती है, रेसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब इम्प्रूव फूड क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि हम जो फूड चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो ब्रीडिंग के थ्रू, यानी कि जो फूड हमें मिल रहा है उसके अंदर विटामिन्स कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, उनमें मिनरल्स ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी वेराइटीज़ जो है वो डेवलप की जानी चाहिए प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, ये हमारे मेन टारगेट्स हैं, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अगर हमें इस तरह की वेराइटीज मिल जाती हैं जिन वेराइटीज में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे लिए न्यूट्रिटिव कंटेंट हो तो वो हमारी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो हमें इस तरह की क्रॉप्स जो है वो डेवलप करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये क्रॉप्स कैसे डेवलप की जा सकती है, क्या किया जा सकता है, तो ऑयल कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, विटामिन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इन सब की क्वांटिटी को इंक्रीज करके हम जो है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए मेज जो है उसकी जब हमने इम्प्रूव वेराइटी के अंदर हमने देखा तो हमें कैसी भी ली जिसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं लाइसिन एंड ट्रिप्टोफिन इसका अमाउंट जो है वो क्या हो गया, दुगना हो गया। फिर हमने वीट की भी कुछ ऐसी वेराइटीज है एटलस 66 जो है उसको हमने बोल रहे हैं कि हमने बायोटेक के थ्रू हमने उसको इम्प्रूव वेराइटी जो है उसको डेवलप किया जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वैसे राइस की जो इम्प्रूव वेराइटी है उसके अंदर आयरन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी के अलावा कुछ और वेजिटेबल क्रॉप्स जो है उसको भी डेवलप किया, जैसे कि विटामिन ए से भरपूर कैरेट स्पिनच एंड पम्पकिन ये डेवलप किए गए। विटामिन सी से भरपूर जो है वो बिटर ग्वार्ड बथुआ मस्टर्ड टोमेटो इनको डेवलप किया गया। आयरन एंड कैल्शियम से भरपूर स्पिनच एंड बथुआ जो है उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। प्रोटीन से भरपूर बीन्स है। अब आपको जानते हो अब इनको याद कैसे करोगे, मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम इसको याद कैसे करें। तो देखिए आपको मालूम है कि कैरेट से स्पिनच से पंपकिन से इन तीनों से ही हमें विटामिन ए मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसी के कंटेंट की क्वांटिटी जो है उसी को इंक्रीज किया गया होगा। तो एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है, कैरेट आपको विटामिन देता है विटामिन ए, स्पिनच पालक भी आपको देता है और पंपकिन इससे भी आपको विटामिन्स मिलते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, नेचुरल आपको ये एग्जांपल्स जो है आपको पता है भी है, ठीक है। अब विटामिन सी की जब भी बात आती है तो हम लोग बिल्कुल हमारे दिमाग में विटामिन सी आती है, सबसे पहले तो हम लेमन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब लेमन को स्किप कर दीजिए और कुछ एग्जाम्पल सोचिए, तो उसमें से आपके पास में टमाटो आ जाता है, खट्टा सा होता है ना, कई कई टमाटो खट्टे निकल जाते हैं, बथुआ, ठीक है। उसके अलावा बीटर ग्वार्ड, बीटर ग्वार्ड है, करेला हम क्यों खा रहे हैं, विटामिन सी उसमें ज्यादा है। मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर भी क्या है, विटामिन सी ज्यादा हमें मिलता है। आयरन एंड कैल्शियम से अगर हम देखें तो आयरन पालक में ज्यादा होता है, नॉर्मली आयरन की कमी हो जाती है तो उनको बोलते हैं ना कि पालक खाइए बथुआ खाइए, तो रीजन क्या है, क्योंकि आयरन ज्यादा है कैल्शियम ज्यादा होता है। प्रोटीन हमेशा हम पढ़ते हैं कि हमें जो पल्सेस होती हैं उनसे हमें ज्यादा मिलती है, तो वहीं से हम याद रख सकते हैं लबलब है, फ्रेंच है, गार्डन पीज है, इन सब के अंदर हमें प्रोटीन जो है वो कंटेंट इंक्रीज करके हम मतलब इंक्रीज करके इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है उनको डेवलप किया गया है, तो यही प्लांट ब्रीडिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। फिर आ जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे लिविंग लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास में गुड रिसोर्सेज हैं फॉर द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि मेन बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो हम चाहिए रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड पुअर इन फैट, ऐसा एग्जांपल है हमारे पास में सिंगल सेल प्रोटीन का स्पाइरुलिना,
ठीक है, तो ये जो स्पाइरुलिना है इसको हम ह्यूमन और एनिमल न्यूट्रिशन के फॉर्म में, अब प्लांट्स को छोड़ दें, प्लांट के अलावा हमारे पास में गुड एक और रिसोर्स है स्पाइरुलिना, जिससे हमें प्रोटीन जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, स्पाइरुलिना जो है वो कहाँ पे ग्रो करता है, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटेटो प्रोसेसिंग, ठीक है, प्लांट जिसके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, स्ट्रोस ज्यादा होते हैं, एंड जो हम बोलते हैं कि जो खाद होती है या फिर जो सीवेज है वहां पर ये स्पाइरुलिना ज्यादा ग्रो करता है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको कम करता है। कैसे कम करता है, क्योंकि जो हमें पोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा है आपको पोल्यूशन में, कि जब हमें सीवेज जो है उनको ट्रीट करना होता है या फिर कुछ हम ये बोल रहे हैं कि पोल्यूशन जो है ज़्यादा इंक्रीज अगर हो रहा है ना, जहाँ पर हम बोले मैन्यूअर वगैरह डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे स्पाइरुलिना क्या करेगा, जो कि अनडिजायरेबल वहाँ पे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उनको क्या कर रहा है कि कन्वर्ट करवा दे रहा है, और वहाँ पे हम ये बोलें कि स्पाइरुलिना जो है उस पोल्यूटेंट की को क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को कम कर रहा है। ठीक है, तो पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइरुलिना हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, विटामिन्स दे रहा है, फैट इसमें कम क्वांटिटी में होता है। तो स्पाइरुलिना एक अच्छा सोर्स है किसका, प्रोटीन का, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोला गया है। ठीक है, फिर आ जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं, कि ये तो ब्रीडिंग मेथड हो गए, हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, या फिर एक ही दो ब्रीड के बीच में, एक ही ब्रीड के दो एनिमल्स के, एनिमल्स या फिर प्लांट के बीच में, ये सभी चीज़ें जो है हमने पढ़ी है। ठीक है, टिश्यू कल्चर पहले तो हम लोग पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर एनिमल्स के टिश्यूज़ का भी और प्लांट के टिश्यूज़ का दोनों का ही हो सकता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती है जो टोटिपोटेंट नेचर की होती है, जो कंटिन्यू सेल डिविजन करके मास ऑफ सेल जो है उसको बना सकती है, इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो एक सेल जो है जो वो कंटिन्यू सेल डिविजन करेगी तो हमें मास ऑफ सेल मिलेगा, जिसको हम कैलस बोलते हैं। अब ये जो कैलस हमें मिलता है इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं, इस कैलस से हम क्या करवा पाएंगे, डिफरेंशिएशन करवा के प्लांट के या फिर एनिमल के पार्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, अभी टिश्यू कल्चर प्लांट्स में हुआ तो उसको हमने बोला प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट के अंदर, प्लांट के किसी एक पार्ट को लिया, चाहे वो लीफ है, रूट है, स्टेम है, कोई भी लिविंग पार्ट को लिया, एंड देन हमने उसके टोटिपोटेंट नेचर, क्योंकि प्लांट के अंदर तो थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं कि उसमें पूरी उनकी लाइफ साइकिल के अंदर हम उनमें देखते हैं कि सेल डिवीजन होता रहता है, क्योंकि उनकी सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट एंड देन रीडिफरेंशिएट जो है वो होती रहती है, साथ में जो डिफरेंशिएट हो गए वो वापस से टोटिपोटेंट हो जाती है। प्लांट्स के अंदर ये करेक्टर प्रेजेंट होता है। तो प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर और उससे कैलस को डेवलप करवाया जाता है, और डेवलप हमारा जो कैलस है इससे रूट एंड शूट जो है डेवलप करवाई जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं प्लांट टिश्यू, जिसे पूरा प्लांट जो है वो डेवलप करवाया जा सकता है। तो इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसको हम लेबोरेटरी कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम स्टरलाइज एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पे हम न्यूट्रिटिव मीडिया लेते हैं। मीडिया एक ऐसा हम बोलते हैं पदार्थ होता है जिस जो सेल्स के डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं, चाहे वो मिनरल हो, वाटर हो या फिर कुछ हॉर्मोन्स हो, वो उनको प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर टोटिपोटेंट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर सेल डिवीजन करवा के मास ऑफ सेल जो है यानी कैलस जो है उसको प्राप्त किया जाता है, और इस कैलस के अंदर डिफरेंशिएशन करवा के रूट एंड स्टेम जो है वो डेवलप जब करवा देंगे तो प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा, और प्लांट को फिर हम इकोलॉजिकल एनवायरमेंट हमारी कंडीशन के अंदर उसको फेस करने के लिए हम उसको बाहर फील्ड के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उसको यूज किया जा सकता है। अब इसमें भी कई सारी टेक्निक्स आती हैं, कई चीजें आती हैं, जैसे एम्ब्रियो कल्चर भी करवा सकते हैं, सोमा जो है हाइब्रिडाइजेशन वो भी करवाए जा सकते हैं। तो ये सभी हम बोल रहे हैं इसी टिश्यू कल्चर के ही पार्ट है। ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडिया में क्या होता है, कार्बन और सुक्रोज होता है उसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन, अमीनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर की बहुत जरूरत होती है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रूटिंग एंड शूटिंग होती है प्लांट्स के अंदर। होना क्या चाहिए, टोटिपोटेंट सेल होनी चाहिए तभी वो सेल डिवीजन करेगी। माइक्रो प्रोपोगेशन हम करवाते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब यही हो गया, एक सेल से कैलस डेवलप करवा रहे हैं और उस कैलस से फिर हम रूट एंड शूट जो है वो हम डेवलप करवा रहे हैं, रूटिंग एंड शूटिंग करवा रहे हैं। सोमा क्लोन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोजेनी प्लांट जिसके अंदर अपने पेरेंट के जैसे सारे के सारे करेक्टर जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि उसको हमने डेवलप किया है सोमेटिक सेल से, इसीलिए हम उसको सोमा क्लोन बोल देते हैं। ठीक है, तो सोमा क्लोन जो है उसको डेवलप करवाया जा सकता है। सोमेटिक हाइब्रिड किसको बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड का मतलब ये हो गया, दो सोमेटिक सेल्स के बीच में अगर हम क्या करें उसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा दें, और जब उसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा देंगे तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी फ्यूज हो जाएगा और उसकी वजह से हमें जाइगोट जो है वो मिलेगा, और वो जो जाइगोट मिलेगा फिर वो क्या करेगा, नए प्लांट को डेवलप करेगा, उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमेटिक हाइब्रिड जो है वो कैसे
प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से प्लांट की जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करवा देंगे। अब सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो उसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। जब उसका प्रोटोप्लाज्म आइसोलेट कर लेंगे देन हम क्या करते हैं, दोनों जो हमने दो सेल ली है ना, उन जो दो सोमेटिक सेल है उनको हमने सेलुलेज से और पेक्टिनेज से हमने उसको ट्रीट किया, तो सेल वॉल जो है वो डाइजेस्ट हो गई, मिला दोनों का प्रोटोप्लाज्म, उसको हमने फ्यूज करवा दिया, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। नाउ फ्यूज प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये अपनी खुद की जो होती है वॉल क्रिएट कर लेते हैं, और हम ये बोलते हैं कि अब जो सेल मिलती है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड सेल, जो एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोमेटिक हाइब्रिड्स भी डेवलप कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप कर भी नए कैरेक्टर्स जो है डेवलप करवा सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कम फील्ड के अंदर ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिले ऐसा भी हम कर सकते हैं इस रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, बायोटेक को यूज करते हुए, हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस नए हाइब्रिड प्लांट को डेवलप करवा सकते हैं। तो ये जितनी भी वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज हमने प्लांट्स की पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पूसा सैम कौन सी है, पूसा स्वर्णिम क्या है, पूसा कोमल क्या है, किसकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, किस चीज के लिए इंप्रूव्ड है वो, कौन किस चीज के लिए रेसिस्टेंसी प्रेजेंट है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए और इनके आंसर खुद अपने हाथों से अपने पेपर पे लिख के रखिए, और आसान हो जाएगा इसका लर्निंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दिया है, कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो ये फॉलो अप क्वेश्चंस जो है इनके आंसर आपको करने हैं, सभी बेस्ड हैं आपके हमारे आज के वीडियो लेक्चर पे। शुगर केन विच ग्रो इन नॉर्थ इंडिया एंड विच डू नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, आपको बताना है कौन सी ग्रो करती है और कौन सी ग्रो नहीं करती है। सेकेरम बारबेरी और सोकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। सेकेरम ऑफिसिनेरम हम जानते हैं कि ये वो वैरायटी है जो ग्रो करती है। चलिए इसी के साथ में कुछ और हमारे पास में फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूरी तरीके से बेस्ड है आप आज के हमारे चैप्टर पे, और यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।